एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ, ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है और मुझे कम्युनिटी टैब पे भी इसके लिए रिक्वेस्ट आई थी और साथ ही मुझे कमेंट्स भी बार बार आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना रियली वीडियो किया जाए, तो ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हेलो, मेरा नाम सुमन है, आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। मैं अपने चैनल पर शेयर करती हूँ डेली ब्लॉग्स, लाइफ स्टाइल, ब्यूटी, स्किन रिलेटेड वीडियोज, मेकअप्स, हॉल वीडियोज। अगर आप लोग को ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं मेरे चैनल से और बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे मैं आप लोग करूँ न्यू वीडियोस तो वैसे ही आप लोग के पास पहुंचे नोटिफिकेशन। तो आज मैं आप लोग के साथ मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैं ये वाला लुक जो है आप लोग के साथ शेयर करूंगी। मुझे बार बार जो है पार्टी मेकअप लुक के लिए जो है कमेंट आ रहे थे, रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना एक पार्टी मेकअप लुक किया जाए। तो मैं यही पार्टी मेकअप लुक आप लोग के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। जानना चाहते हो कि किस तरह से मैंने ये वाला लुक अचीव किया है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं मेकअप स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे गुड वाइब्स का टोनर अप्लाई कर रही हूँ। गुड वाइब्स का टोनर बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे बहुत ही अच्छा टोनर है। नाउ अब मैं सबसे पहले आई मेकअप से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आई मेकअप के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले आईब्रो को अच्छे से बना ले रही हूँ, क्योंकि मेरी आईब्रो ना बहुत ज़्यादा पतली है, थिन है, बनने के बाद तो बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है। इसलिए मैंने यहाँ पे जो है लोकल मार्केट से मैंने जो आईब्रो पेंसिल लिया था वही मैं यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही नेचुरल आईब्रो पेंसिल है, आपके लोकल मार्केट में इजीली मिल जाएगा। 25 रुपीज़ का मैंने परचेज़ किया था। मैं ब्लैक कभी भी यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि वो आर्टिफिशियल लगता है, इसलिए मैं ब्राउन नेचुरल कलर यूज़ करती हूँ। इसके बाद यहाँ पे जो है मैं अपने अच्छे से आईब्रो को फिल कर लूँगी। नाउ यहाँ पे मैं कंसीलर से जो भी मेरा अपने आई मेकअप का जो बेस है उसको अच्छे से सेट कर लूँगी, क्योंकि मेरे को आई मेकअप जो है सबसे पहले कर रही हूँ, इसीलिए मेरे को बेस भी जो है जल्दी से उसको सेट कर लेना है। लूज़ पाउडर भी मैं इसको अप्लाई कर लूँगी जिससे वो बहुत जल्दी जो है सेट हो जाए और मेरा आई मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। यहाँ पे मैं आईब्रो के जो है आसपास भी लगा लूँगी जिससे मेरे आईब्रो को अच्छा सा शेप मिल जाए। इसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर से जो है, ब्यूटी ब्लेंडर मेरा गीला ही है, वेट ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ, उसको डैप डैप करके अच्छे से सेट कर ले रही हूँ। ना यहाँ पे मैं टेप यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद मैं अपना आई शेडो पैलेट जो है डेली फॉरएवर 52 यूज़ कर रही हूँ। आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी ऐसा मिलता जुलता प्रोडक्ट है मेरा, आपके पास ज़रूरी नहीं है जो मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ वही प्रोडक्ट आप भी यूज़ करो। आपके पास जो भी मिलता जुलता प्रोडक्ट है आप वो यूज़ कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे बिल्कुल लाइट कलर यूज़ किया है इस पैलेट से, बिल्कुल लाइट कलर मैंने जो है ऐसा बेस कलर यूज़ किया है आई मेकअप के लिए। इसके बाद जो है मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डार्क जो है पिंक कलर, बिल्कुल डार्क पिंक कलर मैंने लिया है और उसको अपने क्रीज थोड़ा सा ऊपर और जो मैंने बेस कलर लगाया था उसी से मैं जो है ब्लेंड कर रही हूँ साथ में। अब मैं दोनों कलर, दोनों आईज पे जो है साथ ही साथ मैं आई मेकअप कर रही हूँ और दोनों जो है मैंने जब तो फर्स्ट मेकअप जो मैंने बेस कलर और डार्क पिंक कलर लिया था उन दोनों को मैं साथ में जो है मर्ज कर लूँगी, अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी जिससे वो हार्श लाइन ना लगे। और इसके बाद जो है यहाँ पे मैं फ्लैट ब्रश ले रही हूँ, फ्लैट ब्रश से मैं अपनी क्रीज एरिया को जो है डिफाइन कर रही हूँ। इसके बाद मैं तीनों कलर को अच्छे से जो है ब्लेंड कर लूँगी जिससे तीनों कलर जो है मर्ज लगे, ब्लेंड लगे और बिल्कुल भी अलग ना लगे। इसके बाद जो है मैं दूसरे आईज पे भी सेम कर लूँगी। नाउ मेरा आउटफिट जो है डार्क ब्लू है, डार्क ब्लू इसलिए मैं यहाँ पे जो है पर्पल कलर यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद मैंने जो है बीच में आईलेट के बीच में मैंने डार्क पर्पल यूज़ किया है। नाउ इसी पैलेट से जो है मैंने शिमर शेड पिक किया है, येलो शिमर जो आई पैलेट है वो बहुत ज़्यादा मतलब लाइक पिगमेंटेड है, बहुत ही अच्छा है, आप यूज़ कर सकते हो। मैंने पर्पल से परचेज किया था सेल में। और इसके बाद जो है मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा जो है शिमरी शेड अप्लाई कर रही हूँ, मतलब बस प्लेस कर ले रही हूँ अपने आईलेट पर जिससे मेरे शिमर मतलब आई मेकअप को अच्छा सा लुक मिल जाए। यहाँ पे मैंने मस्कारा अप्लाई किया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे जो है मैग्नेटिक का आईलाइनर है वो मैंने अप्लाई किया है जिससे मैं जब फॉलैशेज लगाऊं तो वो अच्छे से प्लेस हो जाए और बहुत अच्छे से लग जाए और ये बहुत ही मतलब जल्दी लग जाता है। आपको सिंपल आईलाइनर लगाना है और इसके बाद जो है फॉलैशेज जो है आपको प्लेस कर देना है। इसके बाद मैंने यहाँ पे वाइट काजल यूज़ किया है, ये भी मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किया था। इसके बाद मैंने यहाँ पर जो है प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। मेरा आई मेकअप डन हो गया है, कम्प्लीट हो गया है। अब यहाँ पर जो है प्राइमर के बाद मैं यहाँ पे स्टेक क्विकी का फाउंडेशन, इसके बाद यहाँ पे पर्ल इल्यूमिनेटर लगा रही हूँ स्विस ब्यूटी का, साथ में ब्लेंड करके और मैंने डॉटेड करके अपने फेस पे अप्लाई कर लेना किया है। और नेक एरिया और ईयर को नहीं भूलना है।
मैं यहाँ पे जो है स्विस ब्यूटी का कॉन्टोर लिप्स, यहाँ पे ब्राउन लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ एज अ कॉन्टोर। अगर आपके पास कॉन्टोर नहीं है तो आप ब्राउन लिपस्टिक पिक कर सकते हो एज अ कॉन्टोर और अपने फेस को अच्छे से डायमेंशनल शेप दे सकते हो। मेरा फेस थोड़ा सा चब्बी चब्बी सा हो गया है, इसलिए मैं इसको फेस को जो है अपने फेस को डायमेंशनल शेप देने के लिए मैं कॉन्टोर कर रही हूँ। नाउ यहाँ पे मैंने सेम लिपस्टिक यूज़ की है स्विस ब्यूटी की एज अ क्रीम ब्लश और अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। आप जो है चाहे ब्रश यूज़ करो चाहे ब्यूटी ब्लेंडर, अच्छे से ब्लेंड करोगे तो आपका मेकअप बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। इसके बाद मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी और इसके बाद मैं कंटूर जो है पाउडर कंटूर और पाउडर ब्लश भी अप्लाई करूँगी जिससे वो लॉक हो जाए और मेकअप मेरा लॉन्ग लास्टिंग रहे। अब मैंने यहाँ पर जो है लूज़ पाउडर अप्लाई कर रही हूँ, मैं ज़्यादा लूज़ पाउडर अप्लाई नहीं कर रही, बस हल्का सा डैप डैप करके ब्रश की हेल्प से हर जगह मैं अप्लाई कर रही हूँ जिससे मेरा मेकअप जो है सेट हो जाए अच्छे से। इसके बाद मैंने यहाँ पर शुगर पैलेट यूज़ किया है कॉन्टोर का, पाउडर कॉन्टोर अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पर और अच्छे से जो है ब्लेंड कर ले रही हूँ। अब यहाँ पर जो है मैं फोरहेड वगैरह पे, क्योंकि मेरा फोरहेड वगैरह थोड़ा सा बड़ा सा लगता है तो इसलिए मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर मतलब यहाँ पे कॉन्टोर वगैरह अप्लाई कर ले रही हूँ। और इसके बाद जो है मैं यहाँ पे दो शेड यूज़ कर रही हूँ ब्लश के, स्विस ब्यूटी से और शुगर पैलेट से, तो उसको अच्छे से मैं फेस पे अपना लिफ्ट मतलब ऊपर की तरफ अप्लाई करूँगी जिससे मेरा फेस थोड़ा सा लिफ्ट लगे, क्योंकि मेरा फेस बहुत ज़्यादा चबी चबी सा हो गया है और जो है मतलब लिफ्ट थोड़ा सा फेस लिफ्ट सा लगेगा, पतला सा भी लगेगा, तो इस तरह से मैं अप्लाई कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ और हाइलाइटर में अपने हाइलाइटिंग जो पॉइंट्स होते हैं मैं वहाँ वहाँ हाइलाइटर अप्लाई कर लूँगी। इसके बाद मैं यहाँ पे रेड लिपस्टिक अप्लाई नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी का लिपस्टिक ही अप्लाई कर रही हूँ। और मेकअप को सेट करने के लिए यहाँ पे मैं फेस कैनेडाटिंग स्प्रे अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पर। तो ये है मेरा फाइनल लुक जो बहुत ही इजी स्टेप्स में ये वाला मैंने लुक क्रिएट किया है। आप इजीली इसको किसी भी छोटे मोटे फंक्शंस के लिए, पार्टी के लिए, या आपकी इंगेजमेंट है या आपकी सिस्टर की शादी है, ब्राइडमेड्स जो है जिनकी सिस्टर्स की शादी होती है, जो आइडिया चाहते हैं कि जो मतलब मेकअप छोटा मोटा सिंपल स्टेप्स में आप इजीली क्रिएट कर सको, इस तरह का आप मेकअप लुक जो है मतलब क्रिएट कर सकते हो। अगर आप लोगों को ये वाला लुक अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। येली ज्वेलरी मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज की थी, तो येली जो है ज्वेलरी का मैंने ऑलरेडी हॉल कर रखा है, बहुत ही परफेक्ट ज्वेलरी है। किसी भी आप मतलब लाइक छोटे मोटे फंक्शंस के लिए आप डेफिनेटली इस ज्वेलरी को भी ट्राई कर सकते हो। ये रिंग्स मैंने जो है लोकल मार्केट से परचेज किए थे और अगर आपको ऐसे मतलब लाइक अगर आप अनमैरिड हो तो इस जगह पे आप जो है कोई भी लाइक मेटल की चूड़ियां आप ट्राई कर सकते हो या लाइक आप वॉच वगैरह पहन सकते हो या आप खाली हाथ भी रख सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे जो है स्टोन बिंदी लगा सकते हो, इट डिपेंड ऑन यू कि आपको ओपन हेयर रखना है या बन बनाना है, ये आपके ऊपर है, इट्स योर चॉइस। इसके अलावा ये मैंने आर्टिफिशियल लेंस लगाए हैं, ये निकल गए हैं, अदरवाइज मैं दोबारा पेस्ट कर लूंगी इसको। तो ये ओवरऑल मेकअप लुक था। अगर आप लोगों को ये वाला मेकअप लुक अच्छा लगा है तो प्लीज मेक श्योर आप मुझे सपोर्ट करें, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर अब तक नहीं किया है, बेल आइकन को दबा लीजिएगा जिससे अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते तो इंस्टाग्राम की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो मुझे वहां पर भी जाके आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।